सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। सरकार ने 81.35 करोड़ गरीब लोगों नूं प्रति महीना 5 किलोग्राम मुफ्त खुराक समगरी मुहैया कराने लिए PMGKAY योजना नूं अगले 5 सालों लिए बढ़ा दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई कैबिनेट मीटिंग इस संबंधी फैसला लिया गया। सूचना के प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना 1 जनवरी 2024 तो अगले 5 सालों लिए बढ़ा दिया गया। स्कीम नूं पहले 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया सी। मंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों इस योजना से लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चीन के बच्चों च वधदे निमोनिया के केसों विचाले भारत में भी इस लैके सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारत च भी कई अजिहे सूबे ने जो इस समय अपने मैडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर च मौजूद कमियां ठीक करने जुटे ने। इस लैके कई सूबे च अलर्ट जारी किया गया। इस दे नाल ही सेहत विभाग भी चौकन्ना हो गया। चीनी बच्चों च साह लैण च तकलीफ के मामले च लगातार वाधा देखा जा रहा है। इस कारण देश के उत्तरी हिस्से स्कूलों नूं बंद तक करना पिया। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सारे सूबे के केंद्र शासित प्रदेशों हस्पताल की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लेकर सुर्खियां च रहिंदे ने। कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया से गुस्से भरिया पोस्ट किया। कपिल शर्मा फ्लाइट लेट हो जाने के कारण भड़ गए ने। कपिल ने इस लैके एक पोस्ट साझी की जिस विच उन्होंने इंडिको फ्लाइट की लेट लतीफी से गुस्सा कढ़िया। उन्होंने ट्वीट में इंडिको से अपना गुस्सा उतारदिया लिखा कि तुसी पहला सानू 50 मिनट तक बस में इंतजार करवाया तो हुण सोशल मीडिया से लोग कपिल के समर्थन में उतर आए। राजस्थान के अलवर जिले तो पाकिस्तान पहुंची अंजू एक बार मुड़ भारत परत आई। अंजू जुलाई महीने पाकिस्तान गई थी। अंजू के पाकिस्तान जाने की सूचना उसके पति तक भी नहीं थी। सोशल मीडिया से उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। अंजू अटारी वाघा सरहद वालों भारत च दाखिल हुए। फिलहाल अजे वह सरहदी सुरक्षा फोर्स के कैंप में उत्थे उसकी पहली तस्वीर सामने आ रही है। दसनयोग है कि अंजू अलवर जिले च अपने पति अरविंद के 2 बच्चों नाल रहती। दक्षिणी सूबे तेलंगाना च अज विधानसभा चोणां लई वोटां पै रहियां ने। विधानसभा दी 119 सीटां सवेरे 7 बजे तो वोटिंग शुरू हो गई जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। सूबे दे 3 करोड़ 26 लाख तो वध वोटर अपने वोट के अधिकार की वरतों करनगे। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की नजर इत्थे लगातार तीजी बार सूबे की सत्ता च वापसी ते होणगी। भाजपा इस दक्षिणी सूबे च एंट्री करन च कसर बाकी नहीं रखना चाहती। उत्थे कांग्रेस भी सत्ता च काबज होने लई संघर्ष कर रही है। सवेरे 7 बजे तो शुरू हुई वोटिंग लई वड्डी गिणती च लोग अपने वोट पाउण लई वोटिंग केंद्रां ते पहुंचे होए। कांग्रेस सरकार जंगलात मंत्री साधु सिंह धर्मसौत के अमलोह स्थित घर से ईडी ने सवेरे तड़के छापामारी की है। मिली जानकारी अनुसार तड़के ही ईडी गड्डियां ते केंद्रीय रिजर्व फोर्स के जवान उन्होंने घर पहुंच गए ने। साधु सिंह धर्मसौत तो इलावा जंगलात विभाग के कुछ ठेकेदार उन्होंने नजदीकियों के घर भी छापेमारी हुई है। जानकारी अनुसार फिलहाल ईडी टीमां घर के अंदर मौजूद ने ते तलाशी ली जा रही। किसी को भी घर के अंदर जाने या बाहर आने का अधिकार नहीं है। कुछ टीमों ने धर्मसौत जंगलात विभाग के ठेकेदार खन्ना के करीबी दोस्त कुछ अधिकारियों के घर भी छापा मारे। जिला की अदालत ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को बरी कर दिया। दरअसल सुखबीर सिंह बादल बिक्रम सिंह मजीठिया के होर अकाली आगुओं दिसंबर 2017 दौरान हरीके पत्र नैशनल हाईवे धरना दिता गया। यह धरना सारी रात चलता रहा। इसके चलते पुलिस वालों सुखबीर सिंह बादल के होरना विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। हुण अदालत ने इस मामले में सुखबीर बादल को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले से सुखबीर बादल ने कहा कि उन्होंने कानून प्रक्रिया से पूरा भरोसा है। अजे भरोसा होर भी पक्का हो गया। उन्होंने कहा कि अज एक बार फिर सच्चाई की जित हुई। संसद का सर्दी सैशन 4 दिसंबर तो शुरू हो रही है। सर्दी सैशन लिए 18 बिल सूचीबद्ध किए गए। यानी कि सरकार 18 बिल पेश करेगी। इन्हें विच महिला राखवांकरण बिल की व्यवस्थावान जम्मू कश्मीर से पांडिचेरी तक वधाने संबंधी 2 अपराधिक कानूनों बदलने लिए 3 बिल शामिल ने। दस दिए कि संसद का सर्दी सैशन 4 दिसंबर तो शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सकत्रेत मुताबिक सरकार एक अजिहा बिल लिया की भी योजना बना। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ नेतावान का मूलांकन उन्होंने सादे पहरावे या घट कीमत वाली घड़िया के आधार पर नहीं होता क्योंकि वह आम लोगों को अपनी असल दौलत लुकाने बहुत चलाक ने। इतने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मरहूम नेता पी सिथी हाजी से किताब की लॉन्च मौके बोल रहे। सामने कहा कि कुछ नेतावान के असल सुभा की पछाण उन्होंने बच्चों वेख के की जा सकती है। उन्होंने अनुसार सियासतदान कपड़िया पहनने होर चीजा राही अपनी असलीयत को लुका सकते हैं पर जो उन्होंने बच्चों की गल आती है तो सच्चाई को लुकाया नहीं जा सकता। पटियाला चीका रोड से एक तेज रफ्तार कार ने काम तो घर परत रहे 2 नौजवानों को टक्कर मार दी जिस में 2 नौजवानों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक संजू के पिता सतपाल सिंह के बयान के आधार पर अनपछाते कार चालक विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। कार चालक की अज तक पछाण नहीं हो सकती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार चालक की गिरफ्तारी लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कनेडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी वालों इमीग्रेशन के बड़े भारतीय ठग विदेश मिश्रा को ब्रिटिश कोलंबिया की जेल च रखा गया, जिसकी पहली पेशी इमीग्रेशन ट्रिब्यूनल राही वीडियो लिंक द्वारा की गई। मिश्रा ने सिरे का झूठ बोलते अपने आप को भलापुर साबित करने की कोशिश करते उल्टे दोष विद्यार्थियों सिर मड़े। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपन गलतियां छुपाने इसके सिर इल्जाम ला रहे हैं। हैरानी इस गल की भारत के विदेश मंत्रालय तो लैके पंजाब सरकार से खुफिया पुलिस एजेंसियों वालों विदेश मिश्रा की गिरफ्तारी लिए बड़े पद्धर से कोशिशों की चर्चा चलती। जापान के याकुशिमा टापू नेड़े अमरीकी फौजी जहाज ओस्प्रे एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्टों मुताबिक 8 लोगों को लेकर जा रहे अमरीकी फौज का ओस्प्रे जहाज दक्षिणी जापान नेड़े हादसाग्रस्त हो गए, समुद्र में डिग गया। स्थानक निवासियों ने बताया कि जहाज के खंभे इंजन में अग लगी तो समुद्र में डिग पिया। जापान में अमरीकी फौज के बुलाए ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की भाल से बचाव कार्य जारी। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल ते निशाना साधी विरोधी पार्टी इल्जाम लाया कि उन्होंने खेती कानून का विरोध कर रहे किसान नेतावान बारे विवादित टिप्पणियां की, जो कि निंदनयोग ने। भिवानी जिले आयोजित प्रोग्राम दौरान दलाल हिंदी कह रहे हैं कि कुछ लोग इतने बैठे सन, कुछ अपराधिक मामलों का सामना कर रहे, कुछ ने गलत काम किए, कई की पत्नियां दूजों के नाल भज गए, उन्हों की पत्नी ने भी उन्होंने गल नहीं सुनी, फिर भी वह पूरे किसान भाईचारे की जिम्मेवारी लै रहे हैं। दलाल की टिप्पणी से जींद जिले के कुछ किसानों ने दलाल का पुतला भी फूकया, उसके बयान की निंदा की। पंजाब ते हरियाणा के कई इलाकों भरवीं बारिश हो रही है। चंडीगढ़ के मोहाली जल थल होया, कई इलाकों में गड़े भी पे ने। मौसम विभाग मुताबिक यह बारिश वैस्टर्न डिस्टर्बेंस करके हो रही है। दस दिए कि मौसम विभाग ने पहला पश्चिमी मालवीन छड़के पूरे पंजाब च मीह की भविखबाणी जारी की। इस दाल ही 11 जिलों में मीह का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की भविख अनुसार अज सवेर तो ही इन जिलों में सवेर रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम विभाग वालों जारी येलो अलर्ट अनुसार अगले कुछ घंटे तक सूबे के 11 जिलों च अलर्ट रहने के निर्देश जारी हुए। पाबंदीशुदा जथेबंदी सिख फॉर जस्टिस के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हूँ हिमाचल प्रदेश में माता चिंतपुर्णी मंदिर नेड़े कंधा से खालिस्तानी नारे लिखवाए ने। इस तो एक दिन पहला अमृतसर च भंडारी पुल नेड़े एलिवेटेड रोड से हेठां खंभा से खालिस्तानी नारे लिखवाए गए सन। गुरपतवंत पन्नू ने वीडियो जारी करके धमकी भी दी सी। हासिल जानकारी मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले माता चिंतपुर्णी मंदिर नेड़े कंधा से खालिस्तानी नारे लिखे मिलने पुलिस ने जांच शुरू की है। पन्नू ने वीडियो जारी करके खालिस्तान जिंदाबाद के झंडे लहराने की भी गल कही। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।